अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथ इसको हम देखेंगे 1.4 एक्सरसाइज सेक्शन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्काउंट रेट या डिस्काउंट रिडक्शन DR इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रिडक्शन इज इक्वल टू स्टेट प्राइस या सेल प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस फाइंड हमने फाइंड करनी है DP। तो DP किसकी इक्वल होती है, डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू, इसको क्वेश्चन के अंदर सेल प्राइस हमें दी हुई है 200 और जो हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो 15% है, 1 माइनस 15%। तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस जो हमारे पास आएगी, सॉरी ये डिस्काउंट प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस DP, डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 15, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.85 हमारे पास आएगा। तो 200 सेल प्राइस को हमने 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो डिस्काउंट प्राइस है इसकी DP वो हमारे पास आ जाएगी 170 रुपीज़। कि इसकी सेल प्राइस पार्ट वन में 200 है और डिस्काउंट प्राइस हमारे पास है जो आएगी वो 170 है। लेकिन अभी हमने देखना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कि डिस्काउंट हुआ कितना है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट DA, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट DA इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस। तो सेल प्राइस हमारे पास 200 है माइनस डिस्काउंट प्राइस जो यहाँ से आई थी 170। तो ये 200 माइनस 170 इज इक्वल टू 30 रुपीज़ हमारे पास डिस्काउंट अमाउंट है। आगे पार्ट टू में हम देखते हैं, तो डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट टू में हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6000 रुपीज़ दिए हुए। तो और जो डिस्काउंट रेट है वो हमारे पास दिया हुआ है 5%। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे इन दो वैल्यूज़ को। डिस्काउंट रेट हमें दिया हुआ है 5% इज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6000 रुपीज़ ये दिए हुए हमें, डिवाइडेड बाय SP सेल प्राइस या स्ट्रीट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, SP इधर आ जाएगा, सेल प्राइस इधर आ जाएगा, 5% नीचे चला जाएगा इधर, तो 6000। तो ये जब नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको सिंपलीफाई करने से हमारे पास जिसका आंसर आएगा स्टेट प्राइस का या सेल प्राइस का वो इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट टू में हमने डिस्काउंट रेट हमने फाइंड करना था, तो हमारे पास ये फार्मूला है। इसमें हमने हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन था 6000 और हमारे पास डिस्काउंट रेट गिवन था 5%। इन दो की मदद से हमने सेल प्राइस हमने यहाँ से फाइंड किया है। तो ये पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3 में, आ होल सेल गेव 1/3% डिस्काउंट टू आ रिटेलर ऑन पार्टिकुलर आर्टिकल्स। ए रिटेलर पेड 8,500 रुपीज़ फॉर दैट पार्टिकुलर आर्टिकल एंड रिसीव डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, देन फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो
तो इसमें हमने जो कि फाइंड करना है वो हमने फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल फाइंड करनी है, और हमें अमाउंट पेड अमाउंट गिवन है और डिस्काउंट, ये दो चीज़ें हमें गिवन है। इन दो चीज़ों की मदद से हम फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल हम फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन बनाते हैं कि फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू अमाउंट, उसकी पेड अमाउंट कितनी है प्लस डिस्काउंट उसमें कितना है। तो हमने फाइंड करना है फेस आर्टिकल, फेस वैल्यू ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे हम एक्स कर लेते हैं, लेट हम इसे एक्स करते हैं। एक्स एक्स इज इक्वल टू पेड अमाउंट हमारे पास है 8,500 प्लस 33 1/3% ऑफ एक्स के फेस वैल्यू का कितना डिस्काउंट है, 33% तकरीबन। तो एक्स इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8,500 प्लस, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 एक्स। एक्स इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो 8,500 प्लस, ऊपर हमारे एक्स आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब ये प्लस एक्स बाई थ्री, ये इधर प्लस से दूसरे साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 8,500, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 हमारे पास, तो ये यहाँ पे नीचे 1 है, तो इसलिए ये 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x, ये बटे के नीचे 3 है, यहाँ भी 3, एलसीएम लिया तो दोनों सेम है, तो ऊपर वाली रकम सेम आ जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 8,500, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x माइनस 1x, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8,500। इसमें हम आगे देखते हैं तो 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8,500 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इधर भी 2x डिवाइड करेंगे, इधर भी ये 2x 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई हम करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 12,750 रुपीज़, ये हमारे पास इसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल 12,750 रुपीज़। हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका। सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ फैन कंपनी, ये कंपनी में आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फैन वाली कंपनी है। यू बुक अ ऑर्डर ऑफ 20 फैंस, 20 फैंस पर फैन 850 रुपीज़ इसकी कीमत है, एंड एग्री टू अलाउ 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवाइस। के हमने क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवाइस, इनवाइस वैल्यू हमने फाइंड करनी है, डिस्काउंट इसमें 10% है फैन के ऊपर। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फैन प्राइस है, फैन प्राइस इज इक्वल टू 850 रुपीज़, ये पर फैन है, एक फ़ैन की। तो नंबर ऑफ़ फैंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ फैन हमारे पास हैं 20, और इसका हमारे पास जो अमाउंट बनेगी इन टोटल की, अमाउंट ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाई 850, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70,000 रुपीज़। तो 20 फैंस की ये हमारे पास कीमत आ जाएगी। अब हमने इसमें देखना है कि डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट हमारे पास जो है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% है इसमें, तो 10% इसको हम परसेंट को हम करेंगे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 17,000, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1700, 1700 1700।
तो 1700 हमारे पास डिस्काउंट है। तो वैल्यू ऑफ इनवाइस, इनवाइस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 17,000 माइनस 1700, तो 5,300 हमारे पास इनवाइस वैल्यू होगी इन फैंस की जो हमने आगे सेल करने हैं। पार्ट नंबर 5, अ रिटेलर परचेज्ड 8 टी शर्ट्स एट द रेट ऑफ 120 रुपीज़ ईच ऑन 20% रेट डिस्काउंट। ही विल गेट फर्दर डिस्काउंट टू 1/4% ईच कैश डिस्काउंट, अगर कैश डिस्काउंट पे मज़ीद डिस्काउंट हो जाएगा। इफ़ ही पेड द टोटल अमाउंट विद इन अ वीक ऑफ डिलीवरी, फाइंड द अमाउंट विच ही हैज़ पेड टू आफ्टर अ वीक, कि एक वीक में कितनी वो पे करते हैं नेट कैश। तो हमारे पास जो टी शर्ट की प्राइस है, टी शर्ट्स प्राइस हमारे पास है 120 रुपीज़, और हमारे पास नंबर कितने हैं इसके शर्ट्स के 8, और इसका अमाउंट बिल जो बनेगा इन 8 शर्ट्स का अमाउंट बिल बनेगा 120 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ इक्वल टू 960 रुपीज़। ये हमारे पास 8 शर्ट्स का बनेगा। अब हमें जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट वो है 20%, तो 20% हम किसका निकालेंगे, 1960 मल्टीप्लाई बाई 20/100, तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 192 रुपीज़। तो इतना हमें डिस्काउंट होगा। तो हमारे पास इनवाइस प्राइस के कितनी आएगी, इनवाइस प्राइस टोटल अमाउंट बिल के कितने 960 माइनस डिस्काउंट कितना होगा 192, तो हमारे पास इनवाइस प्राइस आएगी 768 रुपीज़। लेकिन अभी हमें अगर नेट कैश हमारे पास अवेलेबल है तो हम ये 178 रुपीज़ है नेट कैश पे 700 जो रुपीज़ हैं इस पे हमें मज़ीद डिस्काउंट हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 2 1/4%। तो इसको अगर हम देखते हैं वो इस तरह लिखेंगे हम, 1768 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 2.25 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो 17.828 रुपीज़। अब हम इसमें देखते हैं कि नेट अमाउंट जो हम पे करेंगे, नेट अमाउंट वो कितनी है, 768 माइनस 17.28, क्योंकि 20% फुल अमाउंट हमारे पास 960 है, 20% डिस्काउंट के बाद हमारे पास जो अमाउंट आए 768, लेकिन फिर नेट कैश पे फिर हमें 2.25% हमें फिर मज़ीद डिस्काउंट मिला है, तो मज़ीद हम इसमें 17.28 इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो हमने पे करनी है वो है 750.72 रुपीज़। ये वाले जो हमारे पास है वो एक्चुअल अमाउंट है जो हमें, अगर हम नेट उसको पे करते हैं तो हमें ये इसकी प्राइस देना पड़ेगी 8 शर्ट्स की। तो ये हमारे पास 1.4 के 5 पार्ट्स थे सेक्शन 2 के। तो इनको आपने नोट भी करना है, साथ समझना भी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।